नमस्कार दोस्तों, माइनिंग मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जियोलॉजी के चैप्टर 2 जिसका नाम है मिनरोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी किसे कहते हैं, ये टॉपिक को मैं कवर करूंगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों क्रिस्टलोग्राफी किसे बोलते हैं। क्रिस्टलोग्राफी एक मिनरोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम क्रिस्टल के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम क्रिस्टल के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मिनरोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट क्रिस्टल, इट फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज, जिसमें हम क्रिस्टल के बारे में अध्ययन करते हैं और उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है, ये सब हम क्रिस्टलोग्राफी में पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे क्रिस्टल का एक स्ट्रक्चर बनाया हूँ जिसमें आपको दिख पा रहा है, यह रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट में मैंने बनाया है। ये आप देखिए कुछ रेगुलर पैटर्न में है, ये सब रेगुलर पैटर्न में। स्पेसलेटिस सब किसे बोलते हैं ये देखते हैं। स्पेसलेटिस अ रेगुलर इनडिफिनिटली रिपीटेड रे ऑफ पॉइंट, मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट में, जिसे स्पेसलेटिस भी बोलते हैं। ये आप देखिए ये सब एक रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट में। अब देखते हैं एरे किसे बोलते हैं। रो एंड कॉलम को एरे बोलते हैं। ये सब आप देख पा रहे हैं ये सब रो है और ये जो ये सब कॉलम है। तो रो एंड कॉलम मिलाकर हमें एक रेगुलर पैटर्न दे रहे हैं तो उसे स्पेसलेटिस बोलते हैं। अब दोस्तों देखते हैं क्रिस्टल किसे बोलते हैं। क्रिस्टल इज अ सॉलिड। क्रिस्टल क्या है तो एक सॉलिड है बाउंडेड बाय प्लेन सरफेस, जो घिरा हुआ रहता है प्लेन सरफेस से, विच आर अरेंज्ड इन अ रिपीटिंग पैटर्न विच शो इट्स आउटर कंस्ट्रक्शन। मैंने आपको अभी दिखाया यह एक क्रिस्टल का डायग्राम था जिसमें यह रिपीटिंग पैटर्न पे अरेंज्ड है, तो इसी को क्रिस्टल बोलते हैं। क्रिस्टल क्या है, एक सॉलिड है बाउंडेड बाय प्लेन सरफेस विच आर अरेंज्ड इन रिपीटिंग पैटर्न। अब दोस्तों आप वी प्रोसीड टू आवर टॉपिक्स एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी किसे बोलते हैं। एलिमेंट ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टल विच आर एज फॉलोज। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं क्रिस्टल के जो जो आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला है फेस, एज, सॉलिड एंगल, इंटरफेसियल एंगल, डिस्टोर्शन, जोन, जोन एक्सिस, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। अब एक एक करके देखते हैं कि फेस किसे कहते हैं, एज किसे कहते हैं, सॉलिड एंगल किसे कहते हैं। दोस्तों समझते हैं फेस किसे कहते हैं, जस्ट एट एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए यह एक सॉलिड क्रिस्टल है, यह एक सॉलिड क्रिस्टल है जिसके ये ऊपर वाला भाग को हम फेस बोलते हैं, इधर वाले भाग को फेस, और इसके पीछे वाले पोर्शन को भी फेस बोलते हैं, और इसका जो ऊपर वाला भाग है इसे भी फेस बोलेंगे, और इसका इधर वाला भाग भी फेस बोलेंगे। तो इसमें दोस्तों मैंने देखा ऊपर वाला भाग एक नीचे वाला दो हुआ, दो ये साइड और दो ये साइड, मतलब इसका छह फेस था। तो फेस किसे कहेंगे अब देखते हैं। क्रिस्टल इज बाउंड बाय स्मूथ एंड प्लेन सरफेस विच रिप्रेजेंट द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सच प्लेन फेसेस आर नोन एज क्रिस्टल फेसेस। जो फेस है वो क्रिस्टल से बना हुआ होता है, और क्रिस्टल वो बाउंडेड होता है स्मूथ और प्लेन सरफेस से, जो रिप्रेजेंट करता है इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसी को फेस बोलते हैं। अब देखेंगे एज किसे बोलते हैं। वेन टू एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब होता है अगल बगल, अगल बगल। वेन टू एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्रिस्टल इंटरसेक्ट ईच अदर, देन द लाइन ऑफ इंट्रैक्शन इज कॉल्ड द एज ऑफ द क्रिस्टल। जब दो फेसेस इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से, मतलब जो दो फेसेस एक दूसरे से जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो जो इंटरेक्शन लाइन है उसी को एज बोलते हैं। जैसा कि ये,
ये एक मेरा फेस है और ये एक मेरा फेस है इधर ये साइड वाला, तो ये जो लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है उसी लाइन को हम बोले इसको एज, ये जो किनारा हुआ उसी को एज बोलते हैं। अब देखते हैं सॉलिड एंगल किसे कहते हैं। इट इज़ द एंगल मेड बाय थ्री और मोर फेसेस। दोस्तों ये डायग्राम है, मैंने यहाँ पे दिखाया है एक फेस ये हुआ, एक ये, एक ये, तो यहाँ पे तीन फेस से मिलकर जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल मेरा बन रहा है उसी को सॉलिड एंगल बोलते हैं। इट इज़ द एंगल मेड बाय थ्री और मोर फेसेस, तीन या तीन से ज़्यादा फेस के मिलने से जो एंगल फॉर्म होता है उसी को सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब देखते हैं इंटरफेसियल एंगल किसे कहते हैं। इट इज़ द एंगल बिटवीन टू क्रिस्टल फेसेस या दो क्रिस्टल फेसेस के मिलने से, विच इज मेड बिटवीन लाइन ऑफ परपेंडिकुलर टू दोज फेसेस। मतलब यहाँ पे आप देखिए एक मैंने डायग्राम बनाया है जिसमें मैं दो क्रिस्टल फेसेस है, एक यहाँ से एक ये गया हुआ और एक यहाँ, तो यह एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर होने से जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये यहाँ पे एक कुछ एंगल बना रहे हैं। मैं जूम कर देता हूँ, देखिए कुछ यहाँ पे एंगल बना रहा, तो जो एंगल बना रहा उसी को इंटरफेसियल एंगल बोलते हैं। इट इज़ द एंगल बिटवीन टू क्रिस्टल फेसेस विच इज़ मेड बिटवीन द लाइन ऑफ परपेंडिकुलर टू दोज फेसेस। यह एक मेरा परपेंडिकुलर लाइन है और यह इधर भी एक मेरा परपेंडिकुलर लाइन है, तो दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को इंटरफेसियल एंगल बोलते हैं। अब देखते हैं डिस्टोर्शन किसे बोलते हैं। एज वी नो डैट क्रिस्टल इज मेड बाय ऑर्डरली अरेंजमेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि और देखे भी हम लोग कि क्रिस्टल है एक रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट से मिलकर बने होते हैं। यदि वो जो पैटर्न ऑफ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट से हट के वो कुछ दूसरा शेप बना लें तो वैसे को हम डिस्टोर्शन बोलेंगे। एज वी नो डैट क्रिस्टल इज मेड बाय ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इफ एनी आइटम इज डाइवर्टेड, यदि कोई भी आइटम वो डाइवर्ट कर जा रहा है फ्रॉम द आइडियल स्ट्रक्चर, जैसा कि वो उसका आइडियल स्ट्रक्चर था, आइडियल स्ट्रक्चर से वो डाइवर्ट कर जाएगा तो वैसे इस क्रिस्टल को हम डिस्टोर्शन बोलते हैं, वैसे फेनोमेनन को हम डिस्टोर्शन बोलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों जोन किसे बोलते हैं। समटाइम्स देयर इज अ ग्रुप ऑफ फेसेस, में हम देखते हैं क्रिस्टल में बहुत ग्रुप ऑफ फेसेस रहते हैं, जब ग्रुप ऑफ फेसेस इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे से इन सच ए वे डैट द लाइन ऑफ इंट्रैक्शन, इन लाइन ऑफ इंट्रैक्शन को हमने एज बोला है, तो देखिए समटाइम्स देयर इज अ ग्रुप ऑफ फेस विच इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे डैट द लाइन ऑफ इंट्रैक्शन आर पैरेलल टू ईच अदर, जब बहुत सारे फेस एक दूसरे से पैरेलल में इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वैसे इंटरेक्शन लाइन को हम वैसे इंटरेक्शन ग्रुप को जोन बोलेंगे, सच ग्रुप इज कॉल्ड जोन। समटाइम्स देयर इज अ ग्रुप ऑफ फेसेस विच इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच अ वे डेट द लाइन ऑफ इंट्रैक्शन आर पैरल टू द ईच अदर, जो लाइन ऑफ इंट्रैक्शन है वो एक दूसरे से पैरल होना चाहिए तभी हम उसको जोन बोलेंगे। अब देखते हैं आगे जोन एक्सिस को। ऐसा लाइन जो क्रिस्टल के सेंटर से पास होता हो और पैरल हो एज के, तो वैसे को जोन एक्सिस बोलते हैं। इट इज़ अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल के सेंटर से पास होना हो और पैरेलल टू द एज इज कॉल्ड जोन एक्सिस। सेंटर क्रिस्टल के सेंटर से पास हो और साथ ही साथ एज के पैरेलल में हो तो वैसे को जोन एक्सिस बोलते हैं। अब नेक्स्ट है क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस। थ्री इमेजिनरी लाइंस, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों मैंने एक क्रिस्टल का फिगर बनाया हूँ जिसमें मैं इस यहाँ पे तीन एक्सिस को दिखा रहा हूँ, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस, और इनका कोऑर्डिनेट्स में एक्स एक्सिस का 1 0 0, वाई का 0 1 0 होगा और जेड का 0 0 1। तो थ्री इमेजिनरी लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कंसिडर्ड टू डिस्क्राइब
ये जो एक दूसरे से तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, और ये जो परपेंडिकुलर इसलिए है ताकि हम इसका सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल का अध्ययन कर सकें। टू डिस्क्राइब द क्रिस्टल सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल विच आर नोन एज क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, थ्री इमेजनरी लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर आर कंसिडर टू डिस्क्राइब द सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल। तीन एक्सिस यहाँ पे इसलिए है ताकि हम ये जो क्रिस्टल का है सिमेट्री का हम अध्ययन कर सकें। अब यही इतना ही था दोस्तों एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।